बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन 2.12 एंड देन प्रोपोजिशन करेंगे। तो उसके ये डेफिनेशन देखें, जी डेल्टा की है। अ सेट जी इज सेट टू बी जी डेल्टा सेट इफ़ इट इज़ द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। किसी भी सेट को हम कब कहेंगे कि वो जी डेल्टा सेट होगा, अगर काउंटेबल इंटरसेक्शन उसका क्या हो, ओपन सेट हो। देखें, काउंटेबल इंटरसेक्शन का मतलब होता है फिनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोपोजिशन 2.13, गिवन एनी ए सबसेट है आर का, रियल नंबर्स का, और एप्सिलॉन पॉजिटिव है, देयर इज़ अ जी डेल्टा सेट जी विद ए सबसेट है जी का, ए कंटेन कर रहा है जी में। तो फिर हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि लेबैग आउटर मेजर ऑफ़ ए लेबैग आउटर मेजर ऑफ़ जी के इक्वल कैसे है। तो फिर अपने कंडीशंस को माइंड में रखते हुए इसका प्रूफ देखें। ए सबसेट है आर का, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंटेन कर रहा है जी में। एज़ इन द प्रूफ ऑफ प्रोपोजिशन 1.22, ये प्रोपोजिशन का हम प्रूफ करके आए हैं पीछे। ये क्या कहती है प्रोपोजिशन, अगर कोई सेट ए है ना, एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होता है, देयर इज़ एन ओपन सेट ओ एग्जिस्ट करता है सच डैट कि हमारे पास वो जो ए है वो उस ओपन सेट ओ में कंटेन करता है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये हमने रिजल्ट प्रूफ किया था, एम स्टार ओ इज लेस देन होता है एम स्टार ओ प्लस एप्सिलॉन के। तो जस्ट हमने इस रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको उठा के ना यहाँ लिख लिया, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखें, फॉर ईच एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n, जस्ट डिफरेंस इसमें क्या करना है, इस एप्सिलॉन की जगह पे ना हम 1/n पुट करेंगे इस प्रूफ में। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, तो उस प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें ओ एन एग्जिस्ट करेगा सच डैट हमारा ए उसमें कंटेन करेगा। ये सारी बातें प्रोपोजिशन की लिखी हुई हैं। तो अब देखें, एम स्टार ओ एन हमारे पास लेस देन होगा एम स्टार ए प्लस, इसकी जगह पे 1/n पुट कर दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया। पुट जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। अब देखें, ये इनफिनाइट ओपन सेट्स हैं हमारे पास, जिस तरह हम पीछे यहाँ हम पुट करते थे ना ओ को, यूनियंस ऑफ ऑल जो हैं ओपन सेट्स जे एन के इक्वल हम पुट करते थे, तो यहाँ हमने जी को इसके इक्वल लिया है। और ये जो सेट जी है ये बींग क्या है, वही बात लिखी हुई है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट। और ये जो जी है ना, बेसिकली जी डेल्टा सेट ही है। उसके बाद नाउ ए कंटेन कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में, ये क्या है, इनफिनाइट ओपन सेट्स हैं। और हमें पता है ये सारी चीज़ हमने किसके इक्वल पुट किया, जी के इक्वल पुट की है, गिव्स डैट। अब देखें, बाय मोनोटोन प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर ये चीज़ जी के इक्वल है तो इसका मतलब है ए कंटेन कर रहा है जी में। और बाय मोनोटोन प्रॉपर्टी हमें पता है, जब एम स्टार अप्लाई करेंगे ना तो एम स्टार ए लेस इक्वल एम स्टार जी आ जाएगा। अब यहाँ से ऑल्सो, अब इस लेबैग आउटर मेजर ऑफ जी को ले लें, इक्वल टू, ये जी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है हमने पुट किया, तो वो यहाँ लिखा। और हमें पता है कि हमारे पास लेबैग आउटर मेजर ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स की लेस इक्वल होती है एम स्टार ओ एन, ओ एन क्या है, ओपन सेट है जस्ट, ठीक है। अब ना एम स्टार लेबैग आउटर मेजर ऑफ ओ एन किसके लेस है, इस सारी चीज़ के लेस है ना एम स्टार ए प्लस 1/n, तो इसकी जगह पे ये सारी टर्म पुट कर दी। तो एम स्टार ए प्लस 1/n फॉर ऑल एन, हर एन के लिए, बाय स्टैटिक से हमने ये काम किया। अब देखें, एम स्टार जी इस साइड पे ऐसे ही है, टेकिंग एन सफिशेंटली लार्ज वी गेट। अब हमें पता है कि अगर हम ये अगर लार्ज है तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास लेस के साथ ना इक्वल का साइन भी आता है। तो एम स्टार जी इज़ लेस इक्वल टू एम स्टार ए, तो दस अगर ये लेस इक्वल है तो हम इसको इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना सिंपली लेस को हटा के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये देखें, 1/n हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल था ना, तो जब हम एप्सिलॉन को हटाते हैं तो हमारे पास लेस के साथ इक्वल का साइन आता है ना, तो यहाँ भी तो जब 1/n को हमने रिमूव किया तो वो इक्वल का साइन इस तरीके से आया। और इसके अंदर जो n है ना, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा आपने, ये डेफिनेशन और प्रोपोजिशन जस्ट सिंपल था। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।